जय श्री कृष्णा, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कालों के काल महाकाल भगवान भोलेनाथ की पूजा में कौन सी चीज़ें हैं जिनसे उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने, उनकी आराधना करने के विशिष्ट तरीकों का वर्णन है। कुछ ऐसी सामग्रियां और विधियां होती हैं जो विशिष्ट आराध्य देव को बहुत प्रसन्न करती हैं। उन्हीं पूजा में उन सामग्रियों की उपलब्धता मनवांछित फल प्रदान करती है, लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती है जिनका प्रयोग करना उल्टा परिणाम दे सकता है। भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले होते हैं तो क्रोध के कारण बहुत जल्दी रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। भगवान शिव को भांग धतूरे का चढ़ावा जहां बहुत प्रसन्न करता है और उन्हें पसंद भी है। कुछ ऐसी सामग्रियां भी हैं जिनका उपयोग शिव आराधना के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी, सिंदूर और उसके साथ ही कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं जिन्हें आगे हम वीडियो में जानेंगे, नहीं चढ़ाना चाहिए, जिससे वे प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाते हैं। केतकी का फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। शिव जी ने कहा कि शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। तुलसी की पत्ती। यूं तो तुलसी की पत्तियां सभी देवी देवताओं की पूजन में काम आती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने तुलसी के पत्ती असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और देवी गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। नारियल का पानी। शिवलिंग पर नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन इससे अभिषेक नहीं करना चाहिए। देवताओं को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए शिवलिंग पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी ना चढ़ाए। शिव जी के अतिरिक्त लगभग सभी देवी देवताओं को पूजन में हल्दी गंध और औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियोचित वस्तु है, स्त्रियोचित यानी स्त्रियों से संबंधित, इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। शंख से जल। दैत्य शंखचूर्ण के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया था। उस भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिवजी ने शंखचूर्ण का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। कुमकुम या सिंदूर। सिंदूर विवाहित स्त्रियों का गहना माना गया है। स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को भी अर्पित करती हैं, लेकिन शिव तो विनाशक हैं। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा में तिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए भगवान शिव की पूजा में तिल का प्रयोग वर्जित माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि किन किन चीज़ों का भगवान शिव की पूजा में प्रयोग करना वर्जित होता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होने की बजाय आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं और आपको अपनी पूजा के पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो आगे से आप भी भगवान शिव की पूजा में
ध्यान रखिए कि क्या हमें उन्हें नहीं अर्पित करना है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।